महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में एक विशेष महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। महिला सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सिरमौर जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया था। मकसद साफ था कि कैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित किया जाए। कार्यक्रम के दौरान जहां महिलाओं को सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं महिला स्वयं सहायता समूहों को पत्तल डूने बनाने व निटिंग की 5-5 मशीनें भी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि इस योजना का मकसद यही है कि कैसे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह को मशीनें प्रदान की जा रही है, साथ ही उनके कार्य से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि यह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। बिंदल ने यह भी कहा कि जो उत्पाद महिलाओं द्वारा तैयार किए जाएंगे उसके लिए मार्केट भी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि महिलाएं आसानी से अपने उत्पाद बेच सके। जिला सिरमौर में और नाहन विधानसभा क्षेत्र में हमारे किसानों की आमदनी बढ़े और हमारी महिलाएं वो आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हों, इस दिशा में एक विहंगम प्रयास कर रहे हैं। नए नए स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और आज ये जो विशिष्ट कार्यक्रम स्वयं सहायता समूहों का यहाँ पर रखा है, लगभग 800 बहनें आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। हम अनेक प्रकार से उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने सुना, मशरूम उत्पादक आने वाले दिनों में घरों घरों तक पहुँचे, इसके लिए हमको प्रयास करना है। नींबू हमारे इलाके की एक बहुत बड़ी मार्केट बने। इलाका सूखा है, बहुत बड़ी मात्रा में जंगली जानवर बंदर हैं, दोनों दृष्टि से नींबू की फसल हमारे यहाँ कामयाब हो सकती है। और इस साल बरसात के मौसम में 1,00,000 पौधे नाहन विधानसभा क्षेत्र में नींबू के लगाने का लक्ष्य रखा है। हमारे यहाँ दोने और पत्तल बनाने की दिशा में एक मशीन गाड्डा में पहले दी थी, वो कामयाब हुई है। आज 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बांटने का टारगेट रखा है और निटिंग की बढ़िया मशीनें देने का लक्ष्य रखा है। आज 5 मशीनें निटिंग की भी देंगे ताकि ये लोग आने वाले समय में स्वयं जागरूक होकर के जो बैंक लोन्स लेकर के और रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से अपनी आमदनी को बढ़ा सके। इसके लिए कोई सेल मार्केट भी डेवलप की जा सके। कम से कम सोलन, शिमला, सिरमौर, पौंटा, सराहा, ऐसे स्थानों पर कोई दुकानें ऐसी बन सकें जिसमें स्वयं सहायता समूह के अंदर तैयार किए गए प्रोडक्ट्स को जनता तक पहुंचाया जा सके और उसको मार्केट मिल सके। अर्थात हमारा लक्ष्य सीधा सा है, महिला सशक्त है तो हमारा इलाका सशक्त है, महिला सशक्त है तो सिरमौर सशक्त है। महिला सम्मेलन में नाहन क्षेत्र की करीब 800 महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने बताया कि निश्चित तौर पर उनके लिए यह सम्मेलन कारगर साबित होगा। महिलाओं ने बताया कि इससे उन्हें जहां महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिली है, वहीं यहां जो मशीनें उन्हें उपलब्ध करवाई गई है उससे वह अपने स्वरोजगार को बढ़ावा दे पाएगी। महिला स्वयं सहायता समूहों ने उनकी मदद के लिए सरकार का आभार जताया है। कुल मिलाकर महिलाओं के लिए जिस तरह के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं वह अपने आप में ही एक सराहनीय कदम है। देखना यह होगा कि भविष्य में इसके किस तरह के परिणाम सामने आते हैं। हमारे को ये पत्तल ढूंढने की मशीन मिली है, हमारा ये रोजगार है और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा ये जो महिला मंडल है
बीपीएल की जो लेडीज है इसमें सब शामिल हुई है, और इसमें हमने मतलब सारी लेडीज पत्ते निकाल लाती है जंगल से और पत्तल बनाती है, और फिर पत्ते बना कर हमको देती है कि हम इसी मशीन में निकालते हैं, और ये हमारा अच्छा रोजगार है, घर बैठे ही रोजगार है, घर का काम भी कर लेती है महिले, और मतलब कि ये भी बन जाती है पत्तल, पत्तल डुन्ने बना लेते हैं। सर इससे हमारा व्यवसाय बड़ा है, और हमारे पास कोई काम नहीं था, घर में बैठे रहते थे, इसलिए इससे हमारा बहुत फायदा हुआ, और सरकार के भी मैं बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मशीन देकर बहुत। हम इस ग्रुप में 11 महिलाएं जुड़ी हैं, मैं यहाँ आकर के बहुत सी जानकारियाँ मिली हैं, जैसे महिलाओं के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ हमें बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट से हमें कितना लाभ मिल सकता है। हमें यहाँ ये जानकारी मिली, यहाँ सरकार ने बहुत सारी सब्सिडी ली है महिलाओं को, मतलब जैसे नींबू के पेड़, स्वयं सहायता समूह बनाओ, रोजगार, जैसे बेरोजगार हैं जो बिना पढ़ी लिखी हैं वो भी घर में से रोजगार कर सकती हैं, बैंक के थ्रू हमें सब्सिडी मिलेगी, और साथ में जैसे क्या लगाना है, क्या करना है उस बारे में, क्या मशीन लेनी है, सब कुछ बताया गया है हमें। क्या लगता है, हाँ जी, महिलाओं को ज़रूर उठाना चाहिए इस चीज़ का फ़ायदा, जब गवर्नमेंट इतना साथ दे रही है तो महिलाओं को इस ग्रुप में आके अपना सहयोग देना चाहिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।